आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा ललितपुर निर्माणाधीन रेल लाइन में किसानों की भूमि अधिग्रहण के बाद बीते दो वर्षों के दौरान रेलवे द्वारा उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं दिए जाने से नाराज किसानों ने रीवा गोविंदगढ़ मार्ग स्थित मड़वा बासा के समीप बने रेलवे ओवर ब्रिज के नीचे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। किसानों को बेवकूफ बनाने का काम दो वर्षों से लगातार किया जा रहा है। भूमि अधिग्रहित कर ली गई है और रेलवे का काम भी काफी तेजी से चल रहा है, लेकिन जब हमारे किसान भाई यहां से DRM ऑफिस जाते हैं अपनी एक जानकारी तक पूछने कि हमारी नौकरी कब लगेगी, तो वहां उनके साथ ऐसे दुर्व्यवहार किया जाता है जैसे किसी भीड़ में कुत्तों को दुर्दुर। इस दौरान क्षेत्र के किसानों की मांग है कि उनकी भूमि तो अधिग्रहित कर ली गई, लेकिन भूमि अधिग्रहण के एवज में रेलवे द्वारा आज तक उन्हें नौकरी में रखे जाने की नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है। किसानों का कहना है कि रेलवे बोर्ड के जिम्मेदार अधिकारी जब तक मौके पर आकर उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं करेंगे, तब तक रेलवे का निर्माण का कार्य नहीं होने दिया जाएगा। हम आपको बता दें, रीवा ललितपुर रेलवे लाइन का निर्माण कार्य बीते कई वर्षों से चल रहा है। इस दौरान कई किसानों की जमीनें भी अधिग्रहित की गई थी, जिसके एवज में रेलवे द्वारा किसानों या उनके परिजनों को नौकरी दी जानी थी, लेकिन अभी भी कई ऐसे किसान हैं जिनको रेलवे द्वारा नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है, जिसके बाद ऐसे किसान मड़वाबासा के समीप निर्माणाधीन रेलवे लाइन के कार्यस्थल पर धरने पर बैठ गए हैं और किसानों ने निर्माण कार्य फिलहाल बंद कर दिया है। अब यहाँ के बाद हम लोग, अभी हमारे और सैकड़ों साथी रेलवे स्टेशन गोविंदगढ़ पर इंतजार कर रहे हैं, वहाँ पहुंचकर हम रेलवे स्टेशन का निर्माणाधीन कार्य को बंद कराएंगे। किसान एकता, किसान एकता।